Hello, dear students. Good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Greenfield Agriculture and Watershed Management, and course number is ecru five three two one. So today we will discuss about the flood water harvesting. So in this water harvesting, we have to discuss some reservoir, check dams, kits and sand dams. So let us see what is the you know reservoir first.

पॉन्ट एंड एम्पॉन्टमेंट क्रिएटेड यूजिंग अ डैम और लॉक टू स्टॉक वाटर लाइक ये ऐसा यू नो सिस्टम है या हम कह सकते हैं ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरे ही एक बहुत बड़े एरिया में होता है ठीक है और वाटर को स्टोर करके रखता है ठीक है तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है या इस तरीके का जब अरेंजमेंट होता है उसको हम यूजर सॉरी रिजर्व ऑय की कैटेगरी में रखते हैं ठीक है सो इट कुड भी आर्टिफिशियल और नेचुरल आल्सो ठीक है हो सकता है कि ये आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो नेचुरल रिजर्व ऑयर जैसे पॉन्ड हो गया रिवर हो गया बड़े बड़े जो लेक्स हो गए ये सब रिजर्व ऑय की कैटेगरी में आते हैं ठीक है जो वाटर को एक ह्यूज एरिया में क्या करते हैं कलेक्ट करके रखते हैं ठीक है फॉर दी फर्दर परपज़ इट कुड बी यू नो ड्रिंकिंग परपज़ या फिर कुकिंग परपज़ और इरीगेशन परपज़ एज वेल एज एट द सेम टाइम यू नो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओके सो दैट इज़ द यू नो फर्दर यू कैन यूज़ फॉर वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम हम कह सकते हैं कि हम उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं राइट right? एंड अगर हम आर्टिफिशियल वाटर हारवेस्टिंग की बात करें तो एक ह्यूज अमाउंट में वाटर को कलेक्ट करना टैंक में ठीक है एक परमानेंट हम टैंक बना के स्ट्रक्चर फॉर्म करके हम जब वाटर को हार्वेस्ट करते हैं तो वो आर्टिफिशियल रिजर्व कहलाता है राइट right? सो so ये इस तरीके का जो आपको दिख रहा है फर्स्ट इमेज में ये आर्टिस्ट फिशियली एक टैंक बनाया हुआ है और यहाँ पे जो वाटर अमाउंट है उसको रिसोर्सेज uh, जो भी हैं वाटर के मतलब जो भी रेन वाटर है या फिर जो ड्रेन वाटर है उसको क्या करना है कलेक्ट करना है इस एरिया में ठीक है और बाकी जो ये सारे दो इमेजेस आपको दिख रहे हैं दीज आर द नेचुरल रिजर्व हम कह सकते हैं ठीक है जहाँ वाटर बॉडीज हम जो कहते हैं वो रिजर्व की कैटेगरी में आते हैं ओके सो इट इज़ एन एरिया डिवेलप बाय द वाटर बॉडी ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेम ठीक है okay? so तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आप कभी भी अपने uh, आस पास देखते हैं दैट वुड बी अ रिजर्वोयर ओके देन द नेक्स्ट इज द चैक डैम ओके सो हियर द इमेज फॉर द चैक डैम यू कैन सी आई एम श्योर यू कैन सी दैट पर्टिकुलर यू नो स्ट्रक्चर इन योर इन योर लोकेलेटी वी कैन से ठीक है आपने अपने आसपास पास की जगहों में देखा होगा कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो चेक डैम होता है ठीक है तो ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ हम गेट बनाते हैं अगर वाटर फ्लो जो होता है उस गेट के ऊपर से ओवरफ्लो होने लगता है तब वो उसकी वेलोसिटी को क्या करता है बैलेंस कर सकता है ठीक है तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम चेक डैम की कैटेगरी में रखते हैं या चेक डैम कहते हैं तो बेसिकली इसका काम है कि वाटर की वेलोसिटी है जो फ़्लो ऑफ वेलोसिटी है वाटर की उसको उसको मेंटेन रखना उसको रिड्यूस करना ताकि कहीं भी वाटर इरोजन ना हो सॉरी गली इरोजन ना हो सॉइल इरोजन ना हो ठीक है प्रॉपर एक यू नो चैनल बनाना है हम कह सकते हैं या वाटर को सेटल कर रहे हैं ठीक है थीके? मतलब एक फ्लो में वो बहता रहे इस तरीके से जब हमको यू नो you know, वाटर को हम कलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में दैट वुड बी अ चेक डैम सिस्टम ओके सो अ चेक डैम इज़ अ स्मॉल डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ ड्रेनेज डे इच्स वेल और चैनल टू लोअर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो सो रेड्यूज रन ऑफ वेलोसिटी रेड्यूज इरोजन एंड गलिंग इन द चैनल एंड अलाउ सेडिमेंट्स टू सेटल आउट ठीक है मतलब पानी को एक निश्चित फ्लो में वो क्या करते हैं बहाव मेंटेन करना हम कह सकते हैं जो पानी का बहाव है वाटर का जो फ्लो है उसके वेलोसिटी को उसकी तेज को हम कह सकते हैं वेग को उसके मेंटेन करना राइट सो चेक डैम मे बी बिल्ड फ्रॉम दी स्टोन सैंड बैग्स फिल्ड विथ पी गेयरवल और लॉक्स ठीक है सो आपने कई बार देखा होगा कि जो चेक डैम uh, जो बेसिकली uh, ये विलेज एरिया में होते हैं जो नदी नाले जो होते हैं है ना जो विलेज के बीच से जब क्रॉस करते रहते हैं अमंग दी यू you नो know, टू विलेजेस उनके बीच से जब जो वो क्रॉस करते हैं तो लोग वहाँ पे सैंड बैग्स लगा देते हैं ठीक है थीके? एक कनी बैग वगैरह में भर के ठीक है या प्लास्टिक बैग्स में भर के वो सैंड भर के वो एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं दैट वुड बी अ टेम्प्ररी हम कह सकते हैं कि चेक डिंग सिस्टम या चेक चेकड स्ट्रक्चर्स uh, के कैटेगरी में वो आता है ठीक है तो या तो वो परमानेंट हो सकता है या टेम्प्ररी हो सकता है राइट सो चेक डैम और पार्शली ब्लॉकेट कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ चैनल कॉमनली कंस्ट्रक्टेड फॉर ब्रोकन रॉक्स दे कैन बी यूज टू रिड्यूज द फ्लो वेलोसिटी और क्रिएटिंग पोलिंग ओके मतलब पानी का जो बहाव है उसको मेंटेन करने का बेसिकली काम होता है चेक डैम का ठीक है ये बहुत ही कॉमनली आपको अपने लोकेलिटी में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जब आप कभी देखते हैं तो दैट वुड बी अ चेक डैम सिस्टम ओके सो लेट्स एट्स लेट हाँ ओके द थर्ड सिस्टम इज एनिकट सिस्टम ठीक है तो ये जो एनिकेट सिस्टम होता है ये बहुत थोड़ा वाटर अमाउंट जहाँ ज़्यादा हो ठीक है मतलब वाटर का जो क्वान्टिटी है अमाउंट ऑफ द वाटर है जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पर इस तरीके का एनिकट्स हम बनाते हैं जहाँ गेट सिस्टम होता है ठीक है गेट बना होता है सो एंड एनिकेट इज़ अ स्मॉल मैं चेक डैम दैट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर और स्ट्रीम टू होल्ड बैक अ बॉडी ऑफ़ वाटर इन ऑर्डर टू प्रवेंट फ्लडिंग प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन एंड स्टोरेज ठीक है सो बेसिकली जो ये चेक डैम जो होता है उसी के जैसे स्ट्रक्चर होता है पर प्रॉपर यहाँ गेट लगा होता है ठीक है अगर उसके स्केल से उसके मेजरिंग स्केल से अगर वाटर फ्लो ऊपर पहुंच जाता है तो हम ये जो पानी का बहाव को हम मेंटेन करते हैं थ्रू दी गेट ठीक है तो गेट के पास ये जो प्रोसेस होते हैं ओपन एंड क्लोज गेट ठीक है उसको हम दोनों कर सकते हैं बंद भी कर सकते हैं खोल भी सकते हैं राइट तो इस तरीके का जब सिस्टम आप कहीं अपने आसपास देखते हैं तो दैट वुड बी एनी किट सिस्टम यू मैट बी सीन इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट लाइक विस विच इज़ वेरी फेमस इन बांगो डैम अपने नाम सुना होगा bamgo dam is a very uh, huge you know very huge area for water harvesting system and at the very same time इट इज़ फॉर यू नो इट इज़ यूज फॉर द सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओके मतलब वहाँ पर बिजली उत्पादन जैसी चीज़ें भी पानी को इकट्ठा करके प्रॉपरली टर्बाइन चलाया जाता है फॉर द इिगेशन परपज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से भी किया जाता है तो ये बहुत ही बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट है आपने अगर देखा होगा वो लोकेशन को तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे उसे राइट सो एनीट्स आर यूज ऑल्सो यूज़ एन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रोवाइड शफिशिएट वाटर फॉर वाइल्ड एनिमल्स और टू प्रोवाइड इरीगेशन तो uh, के लिए प्रोवाइड करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम बहुत ह्यूज एरिया में वाटर बॉडी कलेक्ट कर रहे हैं किसी एरिया पर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम यूज करते हैं ठीक है तो ये जो एनिक्स चेक डैम बनाने का परपज यही है कि वाटर को ए, किसी एरिया पे कलेक्ट करके रखना है ठीक है रन ऑफ वाटर को अवॉइड करना है ठीक है रेसिस्ट करना है रन ऑफ वाटर को क्योंकि रन ऑफ वाटर जब होता है तो हर रन ऑफ वाटर से सॉइल इरोजन के साथ साथ वाटर लॉस भी होता है वाटर वेस्टेज भी होता है ठीक है तो प्रॉपरली वाटर को जब हम हारवेस्ट करते हैं इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू या किसी क्रॉप्स के थ्रू इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू तो हमारी जो सॉइल की मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर बनी रहती है राइट तो ये हो गया आपका एनिकेट सिस्टम एंड द लास्ट इज सिल सेंड डैमसिल सिस्टम ठीक है सैंडेम सिस्टम आपने गांव वगैरह में देखा होगा विलेज एरियाज़ में इस तरीके का बहुत ज़्यादा होता है जो बहुत ही मैदानी या जो सेंड रेतीली जगह होती है ठीक है वहाँ पे इस तरीके का सिस्टम होता है बेसिकली वो यू नो नॉर्मली आप देखेंगे कि प्ले ग्राउंड जैसा वो होता है बट बारिश के मौसम में जब कॉन्सटेंट वर्षा होती है कॉन्सटेंटली रेनफॉल होता है तो उस वाटर फ्लो पे ये इस तरीके का हम यू नो व्यवस्था बनाते हैं अरेंजमेंट बनाते हैं कि वाटर जो है उसका रन ऑफ ना हो तो हमने एक सीढ़ी नुमा बना दिया ताकि वाटर एक वेलोसिटी से बहने के बाद वेलोसिटी रिड्यूस हो के फिर वो अपने नॉर्मल फ्लो में आए ताकि वाटर का इरोजन या सॉइल का इरोजन ना हो प्रॉपर वाटर का फ्लो हो ठीक है तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है उसको हम सैंड डैम अरेंजमेंट की कैटेगरी में रखते हैं ओके सो द सैंड डैम्स आर सिंपली लो कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस रेप्लीकेबल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी दे प्रोवाइड अ क्लीन लोकल वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड फार्मिंग यूज एंड आर सूटेड टू सेमी एरिड ऑफ़ द वर्ल्ड सो अ सैम इज़ अ रेनफोर्स कॉन्क्रीट वॉल बिल्ड वन टू फाइव मीटर्स हाई अक्रॉस अ सीजनल सैंड्रिवल मतलब नॉर्मल जो सैंड्रिवल है जिसको एज अ प्ले ग्राउंड जैसा जो यू नो दिखता है हमें वहाँ पर हमको नॉर्मली एक यू नो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाना है और उससे क्या होगा वो जो स्ट्रक्चर है अबाउट सम वन टू वन वन टू फाइव मीटर हाइट का होगा ठीक है तो जब वाटर फ्लो होगा तो वहाँ पे आके वाटर की जो वेलोसिटी है उसकी जो वेग है वो जो है वो मेंटेन होगा उसके बाद फर्दर वाटर फ्लो होगा राइट तो इस तरीके से होने से क्या होगा हमारा रन ऑफ वाटर जो है उसके थ्रू कुछ भी सॉइल का यू नो इरोजन नहीं होगा या वाटर जो है प्रॉपर कलेक्ट होता रहेगा दूसरे लोके दूसरे साइड्स पे ठीक है तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो सैंड डैम वाटर हार्वेस्टिंग की कैटेगरी में आता है सो so, हम कह सकते हैं बेसिकली व्हेन इट्स यू नो रेन रेन्स द डैम कैप्चर सॉइल लैंड एंड वाटर बिहाइंड इट द सैंड वाटर इन द वाटर सिंक टू द बॉटम एंड द सिल्ट रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर राइट मतलब जो हमने बनाया है ये जो स्ट्रक्चर है वाटर सिंक का वो बहते बहते क्या होता है जो बचा हुआ वाटर है ठीक है बचा हुआ वाटर है वो किसी एक एरिया पे हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है वहाँ कलेक्ट होते रहता है ठीक है तो उस कलेक्ट वाटर को हम जो ड्रिंकिंग पर्पज़ पे या उस तरीके से हम या रीफिल करते हैं हम किसी वाटर बॉडी या किसी टैंक को हम रीफिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इस तरीके का जब वाटर हारवेस्टिंग अरेंजमेंट जो होता है उसको हम सेंड डैम अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं ठीक है थीके? तो फाइनली वी हैव कम्पलीटेड आवर हारवेस्टिंग सिस्टम वाटर Harvesting system. So in this harvesting system, we had seen some different types of uh, you know water harvesting structures, some traditional structures also. So surface runoff water harvesting, roof runoff water harvesting, and then uh, runoff induced water harvesting in C2 and XC2, which is flood water harvesting. Okay, so I hope you all got the sense that particular topic. Uh, so this is enough for today, and thank you very much. So, till then be safe. Take care. Thank you.